Hello everyone, hope you all are doing good. Good wishes to all, welcome back to my channel, The Frozawa Shuttler. जैसा कि आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में देखा होगा कि डेली लेग वर्कआउट चल रहा है इस समय. लेग वर्कआउट में आज हम करेंगे सिटअप्स. सिटअप्स वर्ड सुन के तो मज़ा आ गया होगा कि इतना इजी एक्सरसाइज है, इसको तो कोई भी कर लेगा. डेली हम घर पे ही करते हैं. अगर आपको सिटअप्स बहुत आसान लगते हैं तो इसमें आप एक सेल्फ ट्रांजिशन ला सकते हैं. सेल्फ ट्रांजिशन कैसे लाएंगे? पुट वेट ऑन योर आर्म्स जस्ट लाइक दिस. कुछ वेट रख लेना और ज़्यादा सिंपल लगे तो उसको हैवी कर लेना. जो घर में आप जो स्कूल में स्कूल बैग ले जाते थे, स्कूल बैग को रख लेना अपने सिर पे, हाथ के सहारे. हाथ के सहारे रख लोगे, सिटअप्स मारोगे, अपने आप सिटअप्स कठिन लगने लगेंगे. पहले हम बिगनर की बात करते हैं. बिगनर के लिए सिटअप्स कैसे किए जाएंगे? सिटअप्स होते हैं स्क्वैट्स, फुल स्क्वैट्स. फुल स्क्वैट्स में क्या होता है कि आपको जो नी होता है उसमें 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ता है. इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना है. इसमें जो बैक थाइस होती हैं, बैक थाइस दीज, यू हैव टू टच दीज बैक थाइस थ्रू दी काफ्स. आपको ये बैक थाइस काफ्स पर टच करनी है. मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट लाइक दिस, बैकबोन स्ट्रेट, गेट अप, अ वन सेटअप. दिस इज कॉल्ड अ वन सेटअप. नाउ लेट मी शो यू 4 to 5 सेटअप्स कॉन्स्टेंटली. These are 4 to 5 sit-ups constantly. Now, as our strength, we have to do as I told you in past exercises, past videos, that beginner can do this. Sit-ups can do beginner by beginner. He can do 20 to 25. It is minimum 20 to 25 beginner can do, and an intermediate can take it up to 30 to 35 or more 40 as per her or his strength. And an experienced person, he is an experienced person, he can do 50 to 60 or more and above. 150-200 तो पहुँचा ही देगा. सेटअप उसके लिए एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बहुत आसान बात है. और मैं अपनी बात करूँ वीडियो के लिए तो मैं अभी 25-30 ही मारूँगा, वरना मैं अपनी बात करूँ तो मैं 100-150 आराम से मार सकता हूँ. नाउ थैंक यू and let us begin with the set first, up to not more than 20 to 25 or 30. Let us begin set first. Sit-ups, the main pressure is on our calves, knees and thighs. Strength बढ़ती है sit-ups करने से thighs की और calves की. जो power होती है, जो pressure होता है, वो knees का बढ़ता है. Knees इससे अपनी strong और होती हैं. और backbone straight रखना तो बहुत ज़रूरी है. Backbone आप straight रखोगे तो हर एक्सरसाइज को आसानी से और बिना थके हुए कर पाओगे. नाउ लेट अस बिगिन द सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सॉरी सेट सेकंड.
टेक द रेस्ट, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जितना भी रेस्ट तो लेना ही चाहिए, 5 से 10 सेकंड तो आप ले ही सकते हैं। और अब बात करूँगा मैं स्ट्रेच की, स्ट्रेच करना तो बताया ही है मैंने कई बार आपको, स्ट्रेच करना तो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेच नहीं करेंगे तो अगली एक्सरसाइज के लिए या अपने गेम के लिए आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी तो सेट थर्ड करेंगे, तो उसके बाद स्ट्रेच करेंगे। टेक अ मच रेस्ट दैट यू कैन परफॉर्म योर सेट थर्ड, इतना रेस्ट तो ले ही लो कि सेट थर्ड आसानी से कर पाओ। नाउ लेट अस बिगिन द सेट थर्ड। एक्सरसाइज को स्लो करेंगे ना, वो एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा ही इफेक्टिव होगी, बॉडी पे जल्दी एक्शन आएगा, जल्दी बॉडी रिएक्ट करना सीखेगी। नाउ अवर स्ट्रेच टाइम, फर्स्ट शेक योर लेग्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड, देन लेफ्ट एंड राइट, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, rest left and right. By the shaking the muscles are getting relaxed. Shake करने से muscles जो होती हैं relax होती हैं. Shake in air. One by one. First one, then another. First one, then another. Take it back, the foot, stretch as much as you can, take another one foot back, stretch up to your strength, take one foot up according to your strength, take another one according to your strength. Take your knee towards your pit according to your strength. Take another one according to your strength. Guys, thank you for watching. Keep watching.